subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेरणा न्यूज, जहां मिलती है स्पोर्ट्स की हर छोटी से बड़ी खबर आपको सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का 27वां मैच आज अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिछले मुकाबले मुंबई ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया था, वही दिल्ली कैपिटल्स ने चोटिल ऋषभ पंत की जगह विकेटकीपर एलेक्स कैरी को शामिल किया, जिसके वजह से उन्हें एक विदेशी खिलाड़ी को बाहर करना पड़ा और सिमरोन हेटमायर के स्थान पर अजिंक्य रहाणे को अंतिम एकादश में जगह मिली। तो दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 162 रन बना दिए। दिल्ली की तरफ से शिखर धवन ने सर्वाधिक 69 रनों की पारी खेली। दिल्ली की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। पारी के पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर तेज गेंदबाज ट्रेंट वोल्ट ने सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को पवेलियन की राह दिखा दी। 3 गेंद में एक चौके की मदद से 4 रन बनाकर खेल रहे शॉ को बोल्ट ने कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। उसके बाद 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स को कृणाल पांड्या ने दूसरा झटका दिया। 15 गेंदों में 3 चौके की मदद से 15 रन बनाकर खेल रहे अजिंक्य रहाणे को कृणाल पांड्या ने LBW आउट करवाया। 6 ओवर की पावर प्ले के बाद दिल्ली का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 46 रन था। वहां से शिखर धवन और श्रेयस अय्यर ने एक अच्छी साझेदारी निभाई और 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर 80 रन था। दिल्ली ने अपना 100वां रन 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर पूरा किया। तुरंत बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स को कृणाल पांड्या ने तीसरा झटका दिया। 33 गेंदों में 5 चौके की मदद से 42 रन बनाकर खेल रहे श्रेयस अय्यर ने को कृणाल पांड्या ने ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच आउट कराया। अय्यर ने तीसरे विकेट के लिए शिखर धवन के साथ मिलकर 62 गेंदों में 85 रनों की शानदार साझेदारी की। धवन ने 39 गेंदों में आज टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक भी पूरा किया। वहां से दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट खोकर 162 रन बनाए और इस तरह से मुंबई इंडियंस के सामने जीत के लिए उन्होंने 163 रनों का लक्ष्य रखा। दिल्ली की तरफ से शिखर धवन 52 गेंद पर 69 रन और एलेक्स कैरी 9 गेंद पर 14 रन बनाकर खेल रहे थे। दोस्तों, जवाब में 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत अच्छी रही। ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक ने मिलकर 30 गेंदों में 31 रनों की साझेदारी की, लेकिन 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर मुंबई इंडियंस को अक्षर पटेल ने पहला झटका दिया। 12 गेंद में 5 रन बनाकर खेल रहे रोहित शर्मा को अक्षर पटेल ने कगिसो रावादा के हाथों कैच आउट कराया। 6ठे ओवर के पावर प्ले की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 44 रन था और 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर मुंबई इंडियंस को आर अश्विन ने दूसरा झटका दे दिया। हुआ यूं कि 36 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 53 रन बनाकर खेल रहे क्विंटन डिकॉक को आर अश्विन ने पृथ्वी शॉ के हाथों कैच आउट करा दिया। वहां से सूर्य कुमार यादव ने ईशान किशन के साथ मिलकर 30 गेंदों में 53 रनों की धुआंधार साझेदारी की। 15 ओवर में के आखिरी गेंद पर मुंबई इंडियंस को कगिसो रावादा ने तीसरा झटका दिया। 32 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 53 रन बनाकर खेल रहे सूर्य कुमार यादव को कगिसो रावादा ने श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कराया। हार्दिक पांड्या भी बिना खाता खोले स्टोनिस के शिकार हुए। आखिरी के 18 गेंदों में मुंबई को जीत के लिए महज 18 रनों की दरकार थी और वहां से मुंबई इंडियंस ने यह मैच जीत लिया। दोस्तों, अभी आप अपने स्क्रीन पर मैच का हालिया नज़र देख सकते हैं, तो आप हमें यह भी बता सकते हैं कि इस मैच में आपको खास पॉइंट क्या लगे। साथ ही IPL के अन्य अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।